आज हम स्टोक्स थ्योरम देखने जा रहे हैं। स्टोक्स थ्योरम जो टॉपिक है बड़ा ही सिंपल है लेकिन वास्ट है। ठीक है, आपने वर्क डन देखा है, आपने ग्रीन्स थ्योरम देखा है, तो वहां से आपको बहुत सारे लिंक यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, दो एग्जाम्पल होते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। अभी लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको याद है, लाइन इंटीग्रल दूसरा नाम था वर्क डन का। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ s। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ s डेल क्रॉस f बार डॉट ds बार। ओके, डॉट ds बार, ये डॉट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कैसे होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन s। ओके, डेल क्रॉस f बार डॉट, ये जो ds बार है इसको लिख सकते हैं हम लोग n कैप इन टू ds। कैसे? देखो, हमने वेक्टर में देखा था, वेक्टर डिफरेंशिएशन में a बार अगर होता है तो मैग्नेट के साथ और डायरेक्शन के साथ कैसे होता है, हमने ऐसे लिखा था, आप देख सकते हो वेक्टर के टॉपिक को, a कैप इंटू मॉड ऑफ a बार और डायरेक्टली a लिखा करते थे, है ना। तो उससे ही ds बार लिखा जाता है, n कैप इंटू ds, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला। ओके, आगे वेयर n कैप जो दिख रहा है आपको, n कैप इज द आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू गिवन सरफेस s, एंड c इज द बाउंड्री ऑफ द सर्फेस s इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देखो, ये ऑक्यूपाई कर रहा है सर्फेस, ठीक है, ये सर्फेस है, इसको क्लोजिंग करने वाला कौन है? c है, बराबर है, वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज। और जो n कैप होता है, ये n कैप ये डायग्राम को परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, आप समझ सकते हो 3D में ये परपेंडिकुलर होता है। इसलिए क्या लिखा है आप वहां देख सकते हो, n कैप इज द आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू गिवन सर्फेस s, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू गिवन सर्फेसेस, एंड सी इज द बाउंड्री ऑफ सर्फेसेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हियर डायरेक्शन ऑफ एन कैप, जो डायरेक्शन है एन कैप का टू गिवन सर्फेस एस इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम के हिसाब से ही एन कैप का डायरेक्शन होता है। अभी राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम मतलब क्या? देखो, हमने हमारी लाइफ में आज तक कभी ना कभी स्क्रू टाइट किया है ना, कभी गाड़ी में, कभी घर में, कभी हमने एखादा डिवाइस है, मशीन है, उसमें स्क्रू किया है। तो देखो, अभी भी आप ट्राई करना, जो स्क्रू होता है, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो स्क्रू अंदर जाता है, बराबर, और अगर स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हो तो वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो हियर डायरेक्शन ऑफ एन कैप जो होता है टू गिवन सर्फेसेज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। अभी मान लो कि वो जो स्क्रू है उसको आपने राइट हैंड से पकड़ा है, ठीक है, और राइट हैंड से अभी आप स्क्रू को घुमा रहे हो, तो अगर क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हो तो स्क्रू क्या अंदर जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, ठीक है, इसलिए स्क्रू का वो कंसेप्ट आया है। तो यहां तक हमारे फॉर्मूलेज हो गए हैं, आप पहले लिखोगे 5 बार अच्छे से लिखो, क्योंकि स्टोक्स अच्छे से आया तो गॉस डाइवर्जेंस अच्छे से आता है। 10 एग्जाम्पल है, हमें 10 के 10 एग्जाम्पल प्रॉपरली देखना है, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? लाइन इंटीग्रल इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ s डेल क्रॉस f बार डॉट ds बार। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ s डेल क्रॉस f बार डॉट, अभी ds बार को लिख सकते हैं n कैप इंटू ds, वेयर n कैप इज आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू गिवन सर्फेस s एंड c इज द बाउंड्री ऑफ सर्फेस s इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हियर डायरेक्शन ऑफ एन कैप टू गिवन सर्फेसेस इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। अब ये दोनों फॉर्मूले लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है, जो आपको मैं बताऊंगा कि कब लगाया जाता है या कब आता है, ये दोनों में से कौन सा कब लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करेंगे।